तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आप कैसे हीटलेस कर्ल बना सकते हैं, वो भी इसे यूज करके। ये जो है ना, ये हम लोग क्लोथ्स को हैंग करने के लिए यूज करते हैं, तो इसे यूज करके मैं आज कर्ल बनाऊंगी। ये मेरा जो आइडिया नहीं है, मैंने एक वीडियो में देखी थी और बहुत ही सुंदर सा कर्ल आया था उस वीडियो में। जो जिन्होंने वो कर्ल बनाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था उसके कर्ल्स, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे ट्राई करूँ, क्योंकि मैं हीटिंग टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है और मेरे जो हेयर है बहुत ही पतला है, तो मैं इसे और बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। ये वन काइंड ऑफ हैक है, तो आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं करेगा मेरे लिए। अगर ये काम कर गया तो वेरी गुड, इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ बाद में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे बालों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो मेरे जो हेयर है वो सेमी स्ट्रेट है, मतलब थोड़ा सा वेवी टेक्सचर में है और बहुत ही थिन है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मेरे हेयर पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास जो है वो है और है कलरफुल पेक्स, इसको पेक्स कहते हैं आई थिंक, आई डोंट नो, इसको शायद पेग्स ही कहते हैं। तो ये है मेरे पास और दो इस टाइप के क्लिप्स है, सेक्शन क्लिप्स बोलते हैं इसको, तो इस टाइप के क्लिप्स है। एक है कोम, नॉर्मल सा कोम, थोड़ा सा पानी एंड एक हेयर स्प्रे। ये बेकार सा हेयर स्प्रे है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मेरे पास है तो मैं इसे ही यूज करूंगी। और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे हेयर है वो सेमी डैम्प है। उस वीडियो में ये ही दिखाया था कि सेमी डैम्प हेयर में ही आपको करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अच्छे से कॉम कर लूंगी हेयर को। अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लूंगी, इतना सा, उसमें थोड़ा सा स्प्रे करूंगी हेयर को, मतलब वाटर से। अभी एक पेक लूंगी, मतलब ये क्लोथिंग जो क्लिप है वो भी, इसको ऐसे यहाँ पर अंदर देना है और टाइटली आपको यहाँ पर रोल करना है। उसके बाद वो नहीं हुआ है, फिर से स्टाइक ट्राई करती हूँ। ऐसे डर के आपको करना है। नेक्स्ट फिर से एक सेक्शन लेंगे, उसको फिर से को करना है, ट्विस्ट करना है, उसके बाद क्लिप लेना है, उसको अच्छे से टाइटली आपको कर्ल करना है। उसके बाद क्लिप से अंदर ऐसे करके आपको अंदर देना है। हो गया।
सो गाइस मैंने कर लिया है, बहुत ही इजी है, इसको रोल करना है, क्लिप करना है, रोल करना है, क्लिप करना है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है। मेरा छोटा हेयर है तो ये साइज में हो गया है फिट। अगर आपके लंबे घने बाल हैं तो आप इससे बड़े साइज में क्लिप ज़रूर लीजिएगा। तो यस, मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, दो तीन जो है वो लूज हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। तो मैंने उसके बाद तो मैं इसके बाद क्या करूंगी, थोड़ा सा होल्डिंग स्प्रे अप्लाई कर लूंगी। तो अभी मैंने होल्डिंग स्प्रे जो है, बहुत ही बकवास सेटिंग स्प्रे है ये, कभी इसको मत यूज करना। लॉरियल का एक है, बहुत अच्छा है, वो मेरे पास था लेकिन अब वो खत्म हो गया। तो इसको मैंने परचेज किया था अमेजन से, लेकिन बहुत ही घटिया, इसका जो स्मेल है ना, उल्टी आ जाएगा आपको। एनीवेज, मैंने स्प्रे कर लिया है, अभी इसको छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगी और देखूंगी कर्ल हुआ कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं आफ्टर 30 मिनट्स और देखते हैं कर्ल्स कितना आया है। सो गाइज, मैं आ गई हूँ, अभी इसको मैं ओपन करूंगी, आई होप ये काम कर जाए। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही हूँ। और इसको ना मैं 45 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ दिया था, 30 मिनट्स के लिए नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि 15 मिनट्स और ज़्यादा देना चाहिए ताकि अच्छा कर्ल्स आए, तो इसलिए मैं ज़्यादा 15 मिनट्स दिया है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं होगा, मैं नहीं भी चाहती हूँ टाइट कर्ल्स हो, क्योंकि मेरा शॉर्ट हेयर है, अगर टाइट कर्ल्स होगा तो और भी शॉर्ट हो जाएगा दिखने में। मैं चाहती हूँ वेवी सा, बीची सा जो कर्ल्स होता है वो। तो चलो इसको ओपन करते हैं। बहुत ही प्रीटी सा कर्ल्स हो रहा है गाइस। तो गाइज, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हूँ, मुझे ऐसे टाइप की लूज बीची वेब्स कर्ल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे टाइट वाला कर्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इससे ना मेरा जो हेयर है वो शॉर्ट हो जाता है और वॉल्यूम भी कम लगता है मुझे। तो मुझे ऐसे टाइप के हेयर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि है बहुत, जो कि लग रहा है मुझे बहुत ही वॉल्यूम, लेकिन बहुत ही नेचुरल, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इसको कर्ल किया हूँ, ऐसे लग रहा है कि नेचुरली थोड़ा सा वेवी है एंड कर्ली है। बहुत ही खुश हूँ रिजल्ट से, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके हेयर लंबे हैं तो इससे भी ज्यादा आपके हेयर में अच्छा लगेगा। तो या सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे वाउ, बाय।